सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले, मेरा नाम है शोभिक और आप देख रहे हो 1 मिलियन गैजेट्स। सो गाइस, एक बात तो तय हो गया है कि साल में रियलमी की तरफ से 3 डिवाइस देखने को मिलेगा। एक है 10,000 के नीचे रियलमी 1, 2, 3 जो सेगमेंट रहता है। रियलमी 3 लॉन्च हुआ है आज ही, तो ये वाला एक सेगमेंट देखने को मिलेगा जो साल के शुरू में ही देखने को मिलता है। एंड साल के बीच में इस बार अप्रैल में आपको रियलमी 3 प्रो भी देखने को मिल जाएगा। देन एट द एंड ऑफ द ईयर रियलमी की तरफ से रियलमी यू सीरीज का डिवाइस देखने को मिल जाएगा। रियलमी यू 2 लॉन्च होने वाला है। मतलब रियलमी इंडिया में 15,000 के नीचे बहुत ही अच्छे तरीके से मार्केटिंग करने वाला है। जब भी कोई ब्रांड बहुत ही अच्छे डिवाइस लॉन्च करता है, उसको बीट करने के लिए रियलमी हर बार एक अच्छा डिवाइस बैकअप रख देता है। जैसे कि रेडमी नोट 7 प्रो लॉन्च हुआ है, बहुत ही अच्छा डिवाइस है। एंड उसको बीट करने के लिए रियलमी लॉन्च करने वाला है रियलमी 3 प्रो, जो मंथ ऑफ अप्रैल को लॉन्च होने वाला है। एंड आई होप बहुत ही अच्छा डिवाइस होने वाला है। रियलमी 2 प्रो का सक्सेसर है, आई होप डेफिनेटली बहुत ही अच्छा डिवाइस होने वाला है। एंड आई होप रेडमी नोट 7 प्रो को भी वो बीट करने वाला है। तो चलो, आज का जो डिवाइस है रियलमी 3, उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइज, रियलमी 3 एक अच्छा डिवाइस है, बट इस डिवाइस का सबसे बुरा चीज़ क्या है आपको पता है? 2019 में आप 9,000 खर्च करोगे तो भी इस डिवाइस में आपको 720p मतलब HD प्लस का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। भाई ये 2019 है, एटलीस्ट 9,000 में एक सक्सेसर डिवाइस है, रियलमी 2 का एक सक्सेसर डिवाइस है। एटलीस्ट यहाँ पर हम लोग को फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलना चाहिए था, क्योंकि रियलमी 1 में भी हम लोग को फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल रहा था, बट इस डिवाइस में सिर्फ 720p डिस्प्ले। तो गाइस, डिवाइस के बारे में कुछ अच्छा बताने से पहले इसका जो कमियां है उसके बारे में पहले बात कर लेता हूं। तो फर्स्ट कमी है, यहां पर आपको कोई भी फुल HD प्लस का पैनल देखने को नहीं मिलता है। और बाकी जो कमियां है उतना मेजर कमियां नहीं है, माइनर कमियां है, क्योंकि प्राइसिंग के अनुसार इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो काफी सही है। तो चलो सेकंड बताया जाए, तो यहां पर आपको कोई भी ग्लास फिनिश देखने को नहीं मिलता है। जो फ्रेम है, जो बैक पैनल है, प्लास्टिक से बना है। थर्ड, यहाँ पर आपको कोई भी USB टाइप सी पोर्ट देखने को नहीं मिलता है। फोर्थ, यहाँ पर आपको कोई भी फास्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिलता है। एटलीस्ट यहाँ पर क्वालकॉम क्विक चार्ज 3 का सपोर्ट देखने को मिलना चाहिए था, क्योंकि रेडमी नोट 7 में आपको क्वालकॉम क्विक चार्ज 4 का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। देन फोर्थ हो गया, फिफ्थ होगा। तो फिफ्थ बताया जाए, तो यहाँ पर आपको कैमरा में कोई भी EIS और इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। इवन यहाँ पर आपको कोई भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट नहीं मिलता है। MediaTek Helio P70 है, MediaTek Helio P70 supports 4K video recording। Even यहाँ पर आपको EIS भी देखने को मिलना चाहिए था, बट यहाँ पर sadly इन दोनों चीजों में से किसी एक चीज का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। एंड मुझे बहुत ही ज्यादा डाउट है कि Realme एक OTA अपडेट के थ्रू इसको प्रोवाइड करेगा कि नहीं, क्योंकि Realme U1 में भी तो कोई 4K video recording का सपोर्ट अब भी देखने को नहीं मिलता है। इवन कोई भी EIS का सपोर्ट भी अब भी आपको देखने को नहीं मिलता है। एंड Realme U1 में भी MediaTek Helio P70 प्रोसेसर है। तब चलो Realme 3 के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैंने बताया था कि Realme की तरफ से आपको साल में 3 डिवाइसेस देखने को मिलेगा। 3 नहीं होगा, 4 होगा, क्योंकि Realme C1 भी है, C सीरीज का डिवाइसेस भी है। मे बी सर C2 लॉन्च हो सकता है, बट अभी के लिए तो उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है, तो उस डिवाइस को हम साइड पर रखते हैं। तो Realme 3 में इस बार आपको एकदम पूरा न्यू लुक्स देखने को मिलेगा। बेसिकली Realme 3 से पहले Realme का जितना भी डिवाइसेस था वहां पर आपको Oppo का जो डिजाइन है वही कॉपी पेस्ट देखने को मिलता था, बट इस टाइम Realme 3 में एकदम पूरा नया लुक्स देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको बैक साइड में हॉरिजॉन्टल कैमरा लेआउट के बगैर इस बार आपको वर्टिकल डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। इवन Realme 3 में आपको बैक पैनल में 3D ग्रेडियंट कलर डिजाइन देखने को मिलता है। Realme 3 आपको 3 वेरियंट्स में देखने को मिलेगा। एक है प्योर ब्लैक, सेकेंड डायनेमिक ब्लैक, एंड थर्ड रेडियंट ब्लू। एंड जो रेडियंट ब्लू वेरिएंट है वो आपको 12th मार्च से देखने को नहीं मिलेगा, वो बेसिकली 26th मार्च से फ्लिपकार्ट में अवेलेबल होगा। बट बाकी जो दो वेरिएंट है, दो कलर वेरिएंट्स है, वो आपको 12th मार्च से अवेलेबल हो जाएगा फ्लिपकार्ट में। अब फ्रंट साइड की बात किया जाए, यहाँ पर ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ 6.2 इंच का HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है। सैडली फुल HD डिस्प्ले अगर मिल जाता तो बहुत ही अच्छा होता है, यही डिवाइस का एक मेन ड्रॉबैक है। बट एनीवे, यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर MediaTek Helio P70 प्रोसेसर देखने को मिलता है। एंड 720p डिस्प्ले के साथ जो गेम्स है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाला है। एंड बैटरी ड्रेन भी बहुत कम होने वाला है, क्योंकि ये प्रोसेसर बना है 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर के ऊपर। एंड ऑब्वियसली डिस्प्ले का रेजोल्यूशन भी ज़्यादा नहीं है, बैटरी बहुत ही ज़्यादा लास्ट करने वाला है। एंड यहाँ पर आपको 4230mAh का बैटरी देखने को मिलता है। अब प्रोसेसर की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इस प्रोसेसर को मैंने यूज़ किया है Realme U1 में, Realme U1 को मैंने खरीदा था, मैं आपको वीडियो डाल दूंगा। Realme U1 एंड Realme 2 Pro के साथ मैंने एक PUBG गेमिंग बैटरी ड्रेन टेस्ट किया था, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आप जाके चेक कर लेना। प्रोसेसर बहुत ही पावरफुल है
एंड पबजी HD ग्राफिक्स एंड हाई फ्रेम रेट्स पे चल जाता है, स्मूथली चलता है, कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता है। अब कैमरा की बात किया जाए तो यहाँ पर बैक साइड पे डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। जो मेन सेंसर है 13 मेगापिक्सल का एंड सेकेंडरी 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। एंड बाय द वे यहाँ पर जो 13 मेगापिक्सल का सेंसर है, मैं बताऊंगा ये रेडमी नोट 7 से थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करने वाला है, क्योंकि हार्डवेयर वाइज यहाँ पर जो 13 मेगापिक्सल सेंसर है इसका अपर्चर थोड़ा सा वाइड है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा वाइड है मोबाइल सेंसर के अनुसार। यहाँ पर आपको f1.8 का अपर्चर देखने को मिलता है, व्हेयरएज Redmi Note 7 में आपको f2.2 का अपर्चर देखने को मिलता है, जो डेफिनेटली उतना वाइड अपर्चर नहीं है। एंड f1.8 अपर्चर आपको Asus ZenFone Max Pro M2 में भी देखने को मिलता है, जो डेफिनेटली लो लाइट में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाला है। एंड 2 मेगापिक्सल सेंसर का अपर्चर है f2.4। एंड और एक चीज, बैक कैमरा फ्रंट कैमरा में आपको भर भर के AI टेक्नोलॉजीज देखने को मिलेगा, जो और भी बाकी डिवाइसेस में देखने को मिलता है आपको। इवन यहाँ पर Realme ने बैक कैमरा में एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड किया है, नाइटस्केप, इवन क्रोमा बूस्ट नाम का एक फीचर ऐड किया है। क्रोमा बूस्ट के कारण इमेज थोड़ा सा एडिटेड बन जाता है और HDR इफेक्ट और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। एंड नाइटस्केप बेसिकली नाइट साइड मोड जैसा काम करता है, जो नाइट का जो इमेज है उसको और भी वहाँ पर और भी ज़्यादा लाइट गैदर करने में एंड इमेज में और भी ज़्यादा डिटेलिंग लाने में हेल्प करता है। तो ये तो हुआ स्टिल इमेजेस के बाद। अब वीडियो रिकॉर्डिंग की बात किया जाए, इस सेगमेंट में ये कैमरा थोड़ा सा पीछे रह जाता है। यहाँ पर आपको कोई भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, इवन फुल HD में भी आपको कोई भी EIS मतलब इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन का भी सपोर्ट नहीं मिलता है। बट यहाँ पर आपको स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो अप टू 90 FPS तक स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है इन 720p नॉट इन फुल HD। तो अभी तक मैंने जितना भी बात किया है वो बेसिकली डिवाइस का स्पेसिफिकेशन है। अब चलो कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं। तो ColorOS 6 में तो आपको डेफिनेटली एक ऐप ड्रॉ देखने को मिल जाएगा, इवन जो नोटिफिकेशन पैनल है वो भी न्यूली डिजाइंड है, इवन यहाँ पर एंड्रॉइड पाई का जो जेस्चर्स है वो भी Realme 3 के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। एंड ColorOS 6 में और क्या नया फीचर्स देखने को मिलता है, डिवाइस जब हाथ में आएगा आप लोगों को भी पता चल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इवन बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो। एंड इस डिवाइस का फीचर्स यहाँ पर ही खत्म नहीं होता है, आउट ऑफ द बॉक्स इस डिवाइस में आपको कैमरा टू एपीआई एनेबल्ड देखने को मिल जाएगा, मतलब आप GCam को आराम से इंस्टॉल कर सकते हो। एंड और एक गुड न्यूज है, यहाँ पर GCam ठीक ठाक काम कर रहा है, बैक कैमरा फ्रंट कैमरा दोनों ही काम कर रहा है। सो थम्स अप फॉर दैट, मतलब इस डिवाइस को खरीद कर नहीं पछताओगे, मतलब जो कैमरा है उसका फुल पोटेंशियल ले सकते हो GCam इंस्टॉल करके। एंड सिर्फ कैमरा टू एपीआई नहीं, इस डिवाइस में आउट ऑफ द बॉक्स आपको बूट लोडर भी अनलॉक्ड देखने को मिल जाएगा, मतलब ये डिवाइस एक डेवलपर फ्रेंडली डिवाइस है, यहाँ पर आप कस्टम रॉम्स इंस्टॉल कर सकते हो, डिवाइस को बूट कर सकते हो, TWRP रिकवरी इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा अगर आप एक डेवलपर हो। एंड अगर आप चाहते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉम इंस्टॉल करना, आप आराम से कर सकते हो इस डिवाइस में। इस डिवाइस का और एक ड्रॉबैक है जो ज्यादातर कस्टमर को उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, अगर आप Amazon Prime एंड Netflix में ज्यादा वीडियो देखते हो, इस डिवाइस में Wildvine L1 का सर्टिफिकेशन नहीं है, मतलब Amazon Prime एंड Netflix में आप HD वीडियो स्ट्रीम नहीं कर पाओगे। मैं वहां पर वीडियो नहीं देखता हूँ, सो ये ड्रॉबैक मेरे लिए कोई ड्रॉबैक ही नहीं है। By the way, इस डिवाइस में जो मेन ड्रॉबैक वो इसका डिस्प्ले, अगर फुल HD प्लस होता तो भाई सही होता, क्योंकि 9000 का डिवाइस है, एटलीस्ट फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलना चाहिए था। बट इस डिवाइस में जो मेन एडवांटेज है भाई, गूगल कैमरा ठीक ठाक काम कर रहा है, इस डिवाइस का मेन सेलिंग पॉइंट है। एंड बाय द वे, अगर आप HDFC बैंक का जो ऑफर है उसको अप्लाई करते हो, इस डिवाइस का जो इफेक्टिव प्राइस होगा वो है 8499। भाई 8499 में बहुत ही कमाल का मतलब डील है इस प्राइस पॉइंट पे। इस डिवाइस में जो स्पेसिफिकेशन है मैं बताऊंगा लूट लो, बट अगर आप 9000 से 1000 रुपया ज्यादा खर्च कर सकते हो तो मैं बताऊंगा Redmi Note 7 चूज करो, और आप Asus ZenFone Max Pro M2 भी ले सकते हो, क्योंकि इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया है। इसका जो 3GB रैम एंड 32GB इंटरनल स्टोरेज वेरियंट है, ये भी आप 10000 में मिल रहा है। सो अगर आप 1000 रुपया ज्यादा खर्च कर सकते हो, देन मैं बताऊंगा गो फॉर Redmi Note 7 और Asus ZenFone Max Pro M2। ये दो डिवाइस उस डिवाइस से डेफिनेटली बेहतर है, यहाँ पर और भी ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलता है। एंड वो डिवाइस भी सही है, अगर 8499 में ले सकते हो तो मैं बताऊँगा लूट लो, अदरवाइज 1500 और 1000 रुपये अगर आप ज़्यादा खर्च कर सकते हो, देन गो फॉर दिस टू डिवाइस। अब रैम एंड स्टोरेज के अनुसार यहाँ पर आपको दो वेरियंट्स देखने को मिलता है, एक है 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज जिसका प्राइस है 8999, एंड सेकेंड है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज जिसका प्राइस है 10999।
एंड और एक गुड न्यूज है, यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड माइक्रो एसडी स्लॉट भी देखने को मिल जाता है जो रेडमी नोट 7 में देखने को नहीं मिलता है। सो एक गुड न्यूज है, यहाँ पर आप डुअल सिम इवन एक डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड भी यूज कर सकते हो। सो गाइस, इस वीडियो में ये सब इन्फॉर्मेशन, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना एंड बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।